संगरूर च बीजेपी नूं वड्डा झटका। जिले दे डिप्टी प्रेजिडेंट एडवोकेट मनप्रीत सिंह निमोल ने दिता अपने पद तों इस्तीफा। कहा जो पार्टी किसानां दे हित च खड़ी नहीं हो सकती, मैं उस दे नाल नहीं। दस दिए कि मनप्रीत सिंह का यह भी कहना है कि इस्तीफा उन्होंने पहला ही दे देना सी, पर उस वक्त भाजपा पंजाब अध्यक्ष ने उन्होंने रोक लिया कि इस मामले का हल जल्द ही 29 अक्तूबर नूं कीता जाएगा। लेकिन 29 अक्तूबर वाली मीटिंग च कृषि कानूनों का फैसला तो की होना सी, उल्टा एक होर कानून बना दिता गया जो अहुदे लोगों के हित लई ना हो। मेरे हिसाब नाल वो अहुदियां तो छुटकारा छेती करना चाहिए। तो जो अज बीजेपी पार्टी की जो केंद्र ने साढ़े ते पंजाब विच खास करके किसानी ते जो कानून लाए ने उन्हां दे विरोध विच मैं इस्तीफा दिता है। की तुहाडी इस संबंधी कोई गल होई किसी दे नाल भी कि मैं इस्तीफा देऊंगा जां इहदे विच कोई सोध कीती जावे जां बिल जो किसान मारू ने? मेरी 29 तो पहला सारी साडी लीडरशिप नाल साडे पंजाब प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी नाल साडे जोनल दे प्रभारी श्री जीवन गुप्ता जी नाल उहनां नाल हर दिन गल हुंदी सी। तो उन्होंने मैनू आश्वासन भी दिता, मैनू रोक के भी रखिया भी मनप्रीत इहदा हल छेती होना है। असी केंद्र ते 29 तरीक नूं जाना है तो उतों कोई ना कोई असी हल लैके आवेंगे। पर जो 29 तरीक की जो मीटिंग रही वो उन्हां दी बेसट्टा बेनतीजा निकली। तो उतों हल तो उन्होंने की करवाना सी, एक पराली का जो धुएं का एक नवा कानून वो पंजाब चो लैके आए ने जिदी असी सख्त शब्दों निंदा करते। की समझ हो कि जो केंद्र सरकार के फरमान आ रहे हैं कि पंजाब के किसानों खत्म करना चाहती केंद्र सरकार? केंद्र सरकार वालों जो सोध कानून का नाम लैके उन्होंने साढ़े कानून भेजे गए ने, इस जो साड़ी राज सरकार जो साड़े मुख्यमंत्री साहब ने कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने देखना चाहिए सी जो ये कानून ने ये साडे पंजाब च ये लागू तो की मतलब इन्हों का जो समाएदारी ने जो साडे अंबानी ज अडानी ने उन्होंने सीधा साडे पंजाब नूं कैप्चर करना है। मेरे हिसाब नाल केंद्र तो पहला साडे मुख्यमंत्री साहब नूं अपना स्टैंड लैना चाहिए सी भी ये कानून असी पंजाब च किसी हालत च लागू नहीं होण देवांगे। जे शायद मुख्यमंत्री साहब उदों ये स्टैंड लै जांदे तां अज जो साडे सड़कां दे किसान साडियां मामां साडियां भैणां ते साडे छोटे छोटे बच्चे कोरोना महामारी विच बैठे ने, शायद वो आपदे घरां विच सेफ होंदे। हक ते सच दी खबर लई लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।